हरनावदा गांव की एक महिला ने अपने पति पर मामला दर्ज करवाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल महिला ने अपने पति पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, तो वहीं आए दिन प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। साथ ही इस घिनौने कृत्य में अपनी सास के भी शामिल होने की बात कही। महिला ने कहा कि 2 से 3 साल पहले इंगोरिया थाने में मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा समझौता करवा दिया गया था, लेकिन अब मैं कार्यवाही चाहती हूँ। जी, मेरा पति सुनील विहोंदिया मेरा गंदा गंदा वीडियो निकालता है, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करता है, इतने पैसे ला। उसमें मेरी सास भी शामिल है और मुझे राजकोट ले गया था। राजकोट मुझे और मेरी छोटी सी लड़की है 3 साल की, उस हम दोनों को छोड़ के आ गया और मेरे घर वालों को बोलता है तुम्हारी लड़की कहाँ है, भाग गई हो तो किसी के साथ, और ऐसे पूरे परिवार में वो फैला रहा है, बोले वो लड़की भाग गई है तुम्हारी, और मुझे गंदे गंदे वीडियो बनाते हुए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे की डिमांड करता है। क्या बोलता है, कितने पैसे की डिमांड? कुछ भी, 5,000-10,000 तेरे भाई से ला, तेरी माँ से ला, तेरे बहन से, कहीं से भी ला। काम वाम कुछ करता नहीं है, बेटी बीमार हो जाती है तो इलाज नहीं करवाता है, हमारा इलाज नहीं करवाता है, भाड़े से रहते हैं, रूम का भाड़ा नहीं देता है। मैं छोटी सी लड़की को काम ले के काम करने जाती हूँ, हमारा खर्चा खुद मैं उठाती हूँ, मेरा और मेरी बेटी का। जी मेरे को हाँ चोट भी आई है, सिर में भी चोट है, हाथ पैर में भी चोट लगी थी, करीब इसको 5-6 दिन हो गए, सिर में अभी भी है निशान। थाने पे शिकायत भी की थी आपने, पहले कौन से थाने पर? जी मैंने पहले 2-3 साल हो गए जब मैंने शिकायत की थी इंगोरिया थाने पर, लेकिन फिर वापस राजीनामा दे दिया था कि सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधर रहा है, और मेरा वीडियो निकाल के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वायरल कर दूंगा। आपका ससुराल हरनावदा? भाई का कहाँ है आपका? कंडारिया जी, उज्जैन। अभी तक कोई कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? नहीं, अभी नहीं हुई है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।